मोदी जी ने कोई वादे पूरे किए नहीं और आप गालियों की बात कर रहे हैं। बात गालियों की ना करें, नालियों की करें, सड़कों की करें, बेरोजगारी की करें, महिला उत्पीड़न जो चरम पर है उस पर बात करें। अंग्रेजों के समय भी आरएसएस अंग्रेजों की दलाली करने का काम करती थी। बात करते हैं यहाँ पर गालियों की, गरीबी की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, किसानों आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को गोली मारी जा रही है और बात करते हैं गालियों की। मजाक है क्या देश में? लोकतंत्र अपने हाथ में लेने का कार्य हो रहा है, जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनता इतनी भ्रमित नहीं होगी। स्पोर्ट्स की महिलाएं दिल्ली में पिट रही थी, तब मोदी जी कहाँ थे? तब गालियाँ कहाँ थी? हमने किसी के आईडी का छापा करवा के पैसा नहीं लूटा, हमने सीबीआई का अटैक करा के पैसा नहीं लूटा, हम लोगों को डरा के पैसा नहीं ले रहे हैं। अपनी स्वेच्छा से जो पार्टी के नियम है, पार्टी के तहत जो दान करता है, डोनेशन आता है, वो पार्टी का फंड होता है। हमने किसी को ब्लैकमेल करके पार्टी के लिए पैसा नहीं लिया, विधायकों को खरीद कर किसी प्रदेश की सरकार नहीं गिराई हमने, लोकतंत्र की हत्या हमने नहीं करी। लोकतंत्र ने अगर किसी को अपना विधायक चुना है तो उसको खरीद कर अगर अपनी सरकार कोई बना रहा है तो इससे साबित होता है कि आज भी जनता का मतदान कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ है। बात करते हैं ये गालियों की, गालियां तो ये देश को दे रहे हैं, हम महिलाओं को दे रहे हैं। जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है मोदी जी ने कि मैं तो झूला टांग के आया था, झूला टांग के चला जाऊंगा, पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी लेती है पूरी जनता की, क्योंकि हम सत्ता के लालची नहीं हैं, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। हमें पैसे के ना हमें कभी लालच था, बिना पैसे के भी हम जनता के बीच में खड़े रहेंगे। जनता चुनाव लड़ेगी और जनता ही जिताने का कार्य करेगी। ईवीएम सेट करके आखिर आप कब तक जीतेंगे ये भी देखते हैं। पैसा भाजपा सरकार का पैसा तो है नहीं, और भाजपा जो करोड़ों रुपए का फंड, अरबों रुपए का फंड जो भाजपा के पास आ रहा है, आजकल भाजपा कर क्या रही है? आप बुरा मत मानिएगा, आपके इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी, प्रेस पूरा खरीद लिया है, प्रेस की आज हिम्मत नहीं है कि वो सच्चाई दिखाए, सच बोलने की ताकत नहीं है प्रेस में। ये सब कौन कर रहा है? ये सब भाजपा की भ्रष्ट सरकार कर रही है। पहले लोकतंत्र की स्थापना भैया इसलिए की गई, लोकतंत्र में प्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी कि प्रेस एक मजबूत स्तंभ होता था, न्याय की आवाज, सच की आवाज उठाने वाला, लेकिन उस प्रेस को भी खरीद लिया गया है। ये बहुत ही बड़ा, मतलब मैं मानती हूँ अपने आप में कि अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। हमने किसी के आईडी का छापा करवा के पैसा नहीं लूटा, हमने सीबीआई का अटैक करा के पैसा नहीं लूटा, हम लोगों को डरा के पैसा नहीं ले रहे हैं। अपनी स्वेच्छा से जो पार्टी के नियम है, पार्टी के तहत जो दान करता है, डोनेशन आता है, वो पार्टी का फंड होता है। हमने किसी को ब्लैकमेल करके पार्टी के लिए पैसा नहीं लिया, विधायकों को खरीद कर किसी प्रदेश की सरकार नहीं गिराई हमने, लोकतंत्र की हत्या हमने नहीं करी। लोकतंत्र ने अगर किसी को अपना विधायक चुना है तो उसको खरीद कर अगर अपनी सरकार कोई बना रहा है तो इससे साबित होता है कि आज भी जनता का मतदान कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ है। मोदी जी ने कोई वादे पूरे किए नहीं और अब गालियों की बात कर रहे हैं, तो बात गालियों की ना करें, नालियों की करें, सड़कों की करें, बेरोजगारी की करें, और धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटा जा रहा है उसके ऊपर बात करें, संसद पर जो हमला हो रहा है उसके ऊपर बात करें, महिला उत्पीड़न जो चरम पर है उस पर बात करें, गालियों पे बात ना करें। ये जो बोलते ना, जब भी चुनाव आता है उस समय आकर ये किसी न किसी मुद्दे के द्वारा भटकाने का कार्य करते हैं, ये भटकाने का कार्य ना करें। अंग्रेजों के समय भी आरएसएस अंग्रेजों की दलाली करने का काम करती थी। बात करते हैं यहाँ पर गालियों की, अंग्रेजों के साथ ये सत्ता की बात करते हैं, शासन की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, किसानों आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को गोली मारी जा रही है, और बात करते हैं गालियों की, और संसद पे हमला हो जाता है, मौन धारण करते हैं, लोकतंत्र में सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। मजाक है क्या देश में? लोकतंत्र अपने हाथ में लेने का कार्य हो रहा है, जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनता इतनी भ्रमित नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों के समय लड़ाई लड़ी, जनता की लड़ाई लड़ी, जनता के लिए लड़ाई लड़ी, और जिसने अपने परिवार में कुर्बानी दी हो ना भैया, वो जानता है कि कैसे परिवार का सदस्य खोता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए, देश के लिए। चाहे वो इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, परिवार का सदस्य खोने के बाद भी सत्ता की लालच नहीं की सोनिया जी ने, प्रधानमंत्री पद को भी ठुकरा दिया, और आज मोदी जी सत्ता की लालच में इतने चरम पर अंधे हो गए हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को साइड लाइन कर दिया, कि जो भी सत्ताधारी अगर कोई भी उनके पार्टी का नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी का दावेदार लगता है तो उसे साइड लाइन कर दिया जाता है। बात करते हैं ये गालियों की, गालियां तो ये देश को दे रहे हैं, हम महिलाओं को दे रहे हैं। स्पोर्ट्स की महिलाएं दिल्ली में पिट रही थी, तब मोदी जी कहाँ थे? तब गालियां कहाँ थी? तो परिवार में वो स्पोर्ट्स की वुमेन्स नहीं आती क्या भैया? आप बताइए, क्या वो किसान नहीं आते क्या? वो आम मजदूर नहीं आते क्या? क्या बाकी प्रदेश की जनता नहीं आती क्या?
सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर ये पॉलिटिक्स की जा रही है, झूठे दंगे किए जा रहे हैं जिसमें कि जनता भ्रमित हो जाए, खाने के पैसे नहीं है, युवा बेरोजगार है, चोरी डकैती और अन्य इतनी बड़ी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसका कारण है सिर्फ बेरोजगारी। हमारे संस्कार ये नहीं है, हम गांधीवादी हैं, हम गाली देना नहीं जानते। ये जिस तरीके से लेडीज को, एक स्पोर्ट्स की वुमेन्स को सड़कों पर घसीट घसीट के, बाल घसीट घसीट के मारा गया है, ये मोदी जी की गाली है, ये मोदी जी की देन है। ये गालियां भाजपा की भ्रष्ट सरकार दे रही है, शर्म आनी चाहिए। तो पूजा दिख रही है, सड़कों पे पूजा की जा रही है, आप ये बताइए क्यों? अगर आप स्पोर्ट्स के लोगों ने जो उन्हें शील्ड दी गई वो लौटा दी, क्यों लौटा दी, किस लिए लौटा दी? जिसने भारत देश को सम्मान दिलाया उन महिला की सुरक्षा नहीं कर पाई, ये सरकार को तो इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अगर आज भारत देश के सम्मान में जो महिला खड़ी थी वो सुरक्षित नहीं है, उसको सड़कों पे पीटा जा सकता है। आम मजदूर आज आत्महत्या कर रहा है, आप उससे पूछिए, उसका घर नहीं चल रहा है, सिलेंडर के दाम आज अब स्मृति ईरानी कहाँ गई, महंगाई डायन कहती थी ना, अब डायन नहीं लग रही, अब डायन नहीं लग रही क्या? महंगाई गारंटी किस चीज की है? महिला उत्पीड़न की, मजदूर आत्महत्या की, किसानों को गोली मारने की, युवाओं को बेरोजगार करने की, देश में आतंकवाद फैलाने की। मोदी और भाजपा आतंकवाद फैलाती है और मोदी और भाजपा की सरकार आतंकवादी सरकार है। आतंक क्या है? महिलाओं को सड़क पे पीटना क्या आतंकवाद नहीं है भैया? धर्म पर लड़ाना क्या आतंकवाद नहीं है भैया? जो इनके सांसद के प्रत्याशी जिस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं आज मंच से, खुलेआम मंच से धर्म के नाम पर भड़काने के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्या वो आतंकवाद नहीं? देश में एक बात बता दे, देश पहले भी राम से चलता था, तब भी हम लोग सिया राम बोलते थे, आज भी सिया राम बोलते हैं, लेकिन किसी पार्टी के भगवान राम नहीं है। भगवान राम हम सबके दिल में बसते हैं, ये कोई पार्टी निर्धारित नहीं करेगी कि भगवान राम जी की पूजा हमें कितने बजे और किस तिथि में करनी है या किस तारीख में करनी है। भाजपा डरी हुई है, भाजपा भय में है, भाजपा सिर्फ छलावे की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार में लिप्त है भाजपा, महिला विरोधी है भाजपा, भाजपा एक आतंकवादी पार्टी है क्योंकि वो आतंक फैलाने का काम करती है, चुनाव के समय दंगे कराती है, ये सारा काम भाजपा का है। भाजपा डर रही है राहुल गांधी की यात्रा से, न्याय यात्रा से, राहुल गांधी की सच्चाई की लड़ाई से, राहुल गांधी के सच बोलने से। आज बताइए भारत देश में किस नेता की हिम्मत है नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल पूछने की? भारत देश में आज किस नेता की हिम्मत है अमित शाह से सवाल पूछने की? पर राहुल गांधी हमारा वो नेता है जो खुल सवाल पूछ रहा है, ये है सच्चाई की ताकत। इसलिए डरते नहीं है राहुल गांधी जी, ना पहले डरे थे, ना आज डरे हैं, ना कल डरे। छलावे की राजनीति, छलावे का शासन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। जनता में हमारे लिए स्नेह है, जनता में गांधी परिवार के लिए प्यार है, जनता में कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था है और आज भी कई लोग कांग्रेस को अपना परिवार मानते हैं घर घर में। तो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ वापस आएगी क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता के हित में कार्य कर सकती है और इस देश को बचा सकती है। न्याय का हक मिलने तक।